परमेश्वर के राज्य का अंतिम लक्ष्य परमेश्वर के राज्य का अंतिम लक्ष्य मन फिराओ और नया जन्म है ठीक है ये ब्यूटी पार्लर है वहां जाके हम लोग क्या करते हैं डेंटिंग पेंटिंग ठीक है ये वह कमरा है जहां दुल्हन को सजाया जाता है इससे पहले कि वह दुल्हा के सामने जाए हेलो जो थियोलॉजिकल टर्म है ना वो यहां इतना स्पष्ट नहीं है थियोलॉजी का मानना है कि स्वर्ग का राज्य ही परमेश्वर का राज्य है और परमेश्वर का राज्य ही स्वर्ग का राज्य है परंतु हम ये विचार करते हैं स्वर्ग के राज्य बिल्कुल अलग चीज है परमेश्वर का राज्य बिल्कुल अलग चीज है सुनो परमेश्वर का राज्य मृत्यु के पहले है और स्वर्ग का राज्य मृत्यु के बाद है परमेश्वर के राज्य के अंतर्गत हम अपने आप को तैयार करते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लायक हो जाएं लिखो परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज्य वह स्थान है जहां एक व्यक्ति मृत्यु के पहले मृत्यु के पहले अपनी तैयारी करता है कि वह मृत्यु के बाद स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के लिए तैयार हो जाए जैसे लिख दु, लो जैसे दुल्हन अपने कमरे में तैयार होती है अब दुल्हा के सामने खड़ी होती है इस उदाहरण को लिख लीजिएगा शॉर्टकट में बाकी लिखते रहिएगा ठीक है ना अब आपने क्या देखा कि दुल्हन सबके सामने कपड़े बदलती है क्या सबके सामने लिपस्टिक लगाती है क्या कहां रहती है वो अपने माइके में ना हाँ परमेश्वर का भी माइका है आपका ठीक है वहां नहलाना है धुलाना है है ना उसको साफ सफेद कपड़े पहनाना है फिर उसके बाद में यहाँ भी यदि कलर खराब है तो बराबर पेंटिंग करके फिर यहाँ आँख में ब्लू बिलू और ये बाल को भी ऐसे ऊपर ऊपर के नीचे नीचे मोड़ते हैं ठीक है ना चमीटे से फिर इसके बाद में ये आँख की भॉय भी बनाते हैं जबकि प्रभु जी ने बोला था अपनी मत कटवाना परंतु अपनी आदत पड़ गई है कोई बात नहीं उसके बाद में फिर दूसरी पेंटिंग इधर रहती है ए? कोई बात नहीं ब्यूटीफुल दिखना चाहिए ना एक ही बार तो अपने को दुनिया झांकेगी फिर कौन देखता है पत्नी के बाद और यदि कोई गौर से पत्नी को देखे तो दूल्हा कहेगा क्या नज़र मार रहा उधर परंतु शादी के वक्त हर एक को नज़र लगाने की अनुमति है जब विरासत मेरी हो गई तो खबरदार किसी ने आंख उठाया <laughs> तो बिचारी ये बोलती है कि पहली और आखिरी बार ही तो सजना धजना है मार लेने दो तो पूरी कांग्रीगेशन को लाइन उसके बाद में तो मौका मिलेगा नहीं इसलिए पूरी तैयारी आपको मालूम है कुछ इसी तरीके से कलीसिया भी परमेश्वर के राज्य के अंतर्गत ये तमाम डेकोरेशन जो अपने ऊपर में करती है <coughs> क्योंकि वह दूल्हे के सामने खड़ी होगी ना तो करोड़ों बराती लोग आएंगे कहाँ से स्वर्ग से हाँ। प्रभु अकेला नहीं आएगा ठहर जा मैं दुल्हन लाता हूँ पार्टी यहीं करूँगा क्यों टेंशन लेते हो उधर जाने की प्रभु कहता ना ना, ना, ना। मैं अपने स्वर्ग दूतों के साथ आऊंगा तो स्वर्गदूत लोग दुल्हन देखने आएंगे हे प्रभु बड़ी सुनी थी हमने 2000 साल से पवित्र आत्मा को हमारे पास से भेजा और रोज रोज रोज, रोज, रोज पिता के दाहिने और हाथ दिखा दिखा के अपनी दुल्हन के लिए ना याचना कर रहे थे आपने सुना तो बड़ा था हम देखना चाहते हैं बोले चलो दिखाऊंगा मैं तुमको मेरे पीछे रहना समझ में आए और फिर वो मारेगा तुरी ट वो नहीं मारेगा उसके दूत लोग मारेंगे देरे 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 देरे। फिर दुल्हन ऐसी खड़े हो जाएगी तैयार होगी है ना अब एक दुल्हन थी जिसने यहाँ लाल लगाई थी यहाँ भूल गई माय oh गॉड स्वर्ग दूत बोले हे प्रभु ऊपर का तो कलर गया नीचे अकेला का है। तो प्रभु कहेंगे अरे 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 तूने ना सारे स्वर्ग दूतों के सामने मेरी टोटल कर दी मैंने को आईना दिया था क्या अरे तुझे बाइबिल का आईना नहीं दिखा उसमें ऊपर भी लगाना चाहिए लिपस्टिक बोल के आइडिया नहीं किया क्या झांक रहा पड़ोसी को तू आय आईना रखा है तुम्हारे सामने बाइबिल का उसमें चेहरा देखो यहां चेहरा दिखाने वाले बैठे हुए हैं हैं ब्यूटी पार्लर में जाके खुद ही लिपस्टिक लगा लिए लीजिएगा तो काम नहीं ना चलेगा हैं हाँ। वहां कोई रहता है ना पेंटिंग करने वाला कि आप खुद ही जाके आईने के सामने वैसा तो घर में भी लगा सकते हो तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत क्यों है देखो दीदी लोग नाराज मत होइए क्योंकि कलिसिया भी लड़की है ठीक है ना हम आपकी बेइ्जती नहीं कर रहे हैं कलिसिया को ऐसे ही करना पड़ेगा वहां एक स्मार्ट गर्ल रहती है जिसको बहुत बारीकी से सब कुछ करना आता है प्रभु ने अपने भक्तों को भी आपके चेहरे पर पेंटिंग डेंटिंग करने की ड्यूटी दी दे है हुँ? देखो झूठ मत बोलो अच्छे से आईब्रो बनाओ गाली मत कर, बको यहाँ थोड़ा लाल लगाइए हाँ देखो और सुनो माँ बाप का अपमान मत करो थोड़ा सा फैल गया है इसको मिटाओ यहाँ से और ठीक करो हम क्या बात के लिए हैं आपको पेंटिंग करने के लिए हैं हम ब्यूटी पार्लर का पूरा बक्सा लेके खड़े हैं ना यहाँ पर हाँ माँ बाप से रिश्ता ठीक करो लोभ मत करो लालच मत करो पवित्र आत्मा पाओ पवित्र आत्मा से नो फल मांगो प्रेम आनंद मेल धीरज हम अच्छे खासे ब्यूटी पार्लर का बक्सा लेके बैठे हुए यहां पर आपको पेंटिंग कर रहे हैं हमने सात महीने इनकी पेंटिंग की है हां इनको बनाया है तैयार किया है यह है परमेश्वर का राज्य परंतु इनका परमेश्वर के राज्य का जो लक्ष्य है वो हमने बता दिया क्या मन फिराओ और नया जन अब आप ही बताइए आप ही बताइए आज यदि परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जा रहा है तो हम कहां तक पहुंचे हैं यदि आज परमेश्वर के राज्य के अंतर्गत आपको परमेश्वर के राज्य के अंदर में एक, एक कमरा है वहां ले आए तो हमारी पहुंच कहां तक हुई है क्या हम परमेश्वर के राज्य के लक्ष्य तक पहुंचे क्या कितने लोगों ने मन फिराया कोई बोलता क्या मन फिराने के मामले में वो तो यहां आके जबरदस्ती हमने किया मां बाप से माफी मांग लो आप नहीं भूत नहीं निकलने वाले हैं हमसे याद रखिएगा